नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यू में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को जीने के दौरान ही क्या भारत के मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है? यानी लोकतंत्र का मतलब भारत में अगर चुनाव को जीना है और चुनाव के जरिए अगर एक ही मैसेज इस देश में दिया जाता रहा है कि दरअसल चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कितना भी रईस हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन सब बराबर है और यही तो लोकतंत्र का मतलब है। लेकिन क्या वाकई लोकतंत्र वही है या फिर चुनाव के वक्त राजनीति करते हुए तमाम राजनीतिक दल जिन मुद्दों को उठाते हैं और जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं वो उनके उन वोटरों से जुड़े होते हैं जो वोटर उन्हें वोट देते हैं। लेकिन एक झटके में अगर ये बात आने लगे कि इस देश के मुसलमानों से जुड़े मुद्दों का जिक्र कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसे नुकसान हो जाएगा। तो आज हम बात चार के चक्रव्यूह में करेंगे मुसलमान वर्सेस पॉलिटिक्स की। अगर इस बात का जिक्र होने लगे कि मुसलमानों से जुड़े मुद्दे जिसका जिक्र एक वक्त सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में किया गया था, वो एजुकेशन से जुड़ा मसला था, वो रोजगार से जुड़ा मसला था, वो कुपोषण से जुड़ा मसला था, वो उनका सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा मसला था, लेकिन वो सारे मुद्दे इस दौर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना मैनिफेस्टो का हिस्सा बने और ना ही अलग अलग राज्यों में उनकी जरूरतों का हिस्सा बन पाए। तो भी इस देश का मुसलमान लोकतंत्र को जी रहा है और वोट तो वो डालेगा ही और उनके उस वोट के जरिए ये निर्धारित होने लगे कि दरअसल अगर ये एक मुफ्त वोट जिसके पक्ष में पड़ जाए तो या तो वो जीत जाएगा या फिर अगर मुसलमान एक मुफ्त एक साथ हो जाए तो इस मैसेज को अगर हिंदुओं के बीच में प्रभावित कर दिया जाए तो एक हिंदू एकजुट हो जाएंगे और जो मुसलमान के पक्ष में खड़े होते हैं वो हार जाएंगे। एक ऐसा ही गणित है जो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगा। भारत का ये अनूठा सच है। बात 2016 की कर लेते हैं जरा। पांच राज्यों में जहां उस वक्त चुनाव हो रहे थे वहां हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप उठाकर देखना शुरू करेंगे या फिर उससे पहले साल 2011 के जो चुनावी मैनिफेस्टो को उठाकर देखेंगे तो अभी तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसमें लगभग 8 से 10% का हिस्सा सब ने अपने अपने राज्य के मुसलमानों को लेकर जिक्र किया था, उनकी जरूरतों को कैसा पूरा किया जाएगा उसका भी जिक्र किया गया था। लेकिन साल 2014 की तरफ से ऐसी स्थितियां कैसे बनने लगी इसका मैसेज ये है कि इस बार यूपी चुनाव के नैरेटिव बदल सकते हैं और ऐसे में नैरेटिव जो पुराने थे उसमें पुराने समुदाय का जिक्र होता था, किसानों का जिक्र होता था, मजदूरों का जिक्र होता था, दलितों का जिक्र होता था, मुसलमानों का जिक्र होता था, भद्र पुरुष का भी जिक्र होता था और वहां पर की आर्थिक सामाजिक स्थितियों का जिक्र भी होता था। लेकिन अब कोई जिक्र किसी भी रूप में कोई नहीं करता, हर कोई साइलेंट स्थिति में आकर खुद को खड़ा कर गया और इससे ये साफ कहा जा सकता है कि ये हमारे देश का लोकतंत्र हो गया है क्योंकि चुनाव सामने खड़ा है और ऐसे में राजनेताओं को लोकतंत्र की दुहाई देना तो एक बेमानी सा साबित होगा क्योंकि इस पर ना तो ध्यान बीएसपी रख पाती है और ना ही ध्यान अन्य दल रख पाते हैं। सबको सत्ता चाहिए और सत्ता का सुख भोगना इनकी फितरत बन चुकी है। चलिए अब आगे बात यूपी में बीएसपी के गिरते जनाधार की कर लेते हैं। बीते करीब 9 साल से बीएसपी उत्तर प्रदेश में किसी भी चुनाव में अपना बेहतर परिणाम नहीं दे पाई, तो क्या मान लिया जाए कि बीएसपी का गिरता जनाधार मुसलमानों को दरकिनार करना है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक वक्त में यही बीएसपी मुसलमानों की एक लोकप्रिय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में इस देश का मुसलमान बीएसपी से कट सा गया है क्योंकि बीजेपी के साथ हिंदुत्व की लहर में बीएसपी भी हिंदुत्व के एजेंडे को अपना रही है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खिलाफ कभी भी बीएसपी खुलकर सामने नहीं आई, जिसकी वजह से विपक्ष भी बीएसपी पर भी हमलावर दिख रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में सभी दल सत्ता पर काबिज होने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपना रहे हैं, उसमें बीएसपी उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक अस्तित्व खोने के बाद बहुजन समाज पार्टी भी 2022 विधानसभा चुनाव में दमदार वापसी करने का दम भर रही है। ऐसे में बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सामने आए
परिणाम बताते हैं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में अपने कैडर के साथ अपनी राजनीतिक जमीन भी खो रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर 4 साल बाद तक भी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाली मायावती की बीएसपी आखिर क्यों विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार कमान संभालने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बहुजन समाज पार्टी की 2012 के बाद उत्तर प्रदेश में स्थिति लगातार बिगड़ती दिख रही थी। हालात ऐसे हो गए कि पार्टी के पास ना ही अपना जनाधार बचा और ना ही अपना कैडर। ये हम नहीं कह रहे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव के परिणाम कहते हैं, तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यूपी में 2012 में विधानसभा चुनाव में बसपा की स्थिति 403 में से 80 सीट ही बसपा जीत पाई थी। ये स्थिति 2012 की हम आपको बता रहे हैं। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा की स्थिति क्या थी, वो 403 में से 19 सीटें ही जीत पाई थी बस, यानी कि साल 2017 में। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी बसपा की स्थिति कुछ इसी तरह से बनी हुई थी, यानी कि 2012-2017 इन दोनों ही सालों में लगातार बिगड़ती स्थिति रही बसपा की। और जहां उत्तर प्रदेश में साल 2014 में लोकसभा चुनाव में बसपा की स्थिति ये है कि आगे आने वाले दिनों में उनकी 80 में से उन्होंने 0 सीट ही जीती थी, यानी कि एक भी सीट वो नहीं जीत पाई थी। ये साल 2017 की बात हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में बसपा की स्थिति लगातार बिगड़ती रही। साल 2019 की बात कर ली जाए लोकसभा चुनाव की, तो 80 में से 10 सीटें सिर्फ और सिर्फ बसपा ने जीती थी। तो ऐसे में ये तमाम जो सीटें थी वो बसपा ने जीती थी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ये सच है कि यूपी की सियासत में तमाम एक्सटर्नल खबरों के पीछे एक बड़ी इंटरनल खबर भी छिपी है, वो ये कि बीएसपी और एसपी में घमासान मचा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो को लेकर नर्म रहकर धीरे धीरे मीठी छुरी चलाते हुए दलित वोटों में सेंधमारी की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बीएसपी क्यों पीछे रह गई, इस रिपोर्ट में समझिए। मायावती अपनी परिपक्व राजनीति क्षमताओं से जबरदस्ती इसी दलदल में एसपी अध्यक्ष को घसीट रही थी। अखिलेश को लग रहा था कि यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्य मुकाबले से बाहर होगी और बीएसपी की बीजेपी से अप्रत्यक्ष दोस्ती जग जाहिर है, इसीलिए पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बीजेपी विरोधी वोट एकजुट होकर एसपी की ताकत बनेंगे। अखिलेश यादव ने ये भी परिपक्व नीति अपनाई थी कि वो बीजेपी के हिंदू मुस्लिम जाल से बचने के लिए इन मामलों पर खामोश रहेंगे, ताकि वो मुस्लिम तुष्टिकरण और हिंदुत्व विरोध आरोपों से बचे रहें और बीजेपी से नाराज गैर मुस्लिम जनाधार पर एसपी का एक शत्रु राज हो जाए। और मुस्लिम समाज तो बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रहे दल के साथ ही आता है, इसीलिए मुस्लिम बिरादरी तो बिना बटे एकजुट होकर एसपी के पाले में आ ही जाएंगे। जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब है, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीर और वीडियो सबने देखा है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मान रही, जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से, और गरीबों किसान नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। इन सारी प्लानिंग और खुश फहमियों के रंग में भंग डालते हुए मायावती ने बीजेपी के खिलाफ बयान देकर मुस्लिम समाज को अपने विश्वास से जोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। इस तरह उन्होंने एक तीर से दूसरा शिकार करते हुए अखिलेश यादव को ही मुस्लिम परस्ती की छाप वाले बयान देने पर मजबूर कर दिया। मायावती ने लखनऊ में कथित आतंकियों की गिरफ्तारी पर भी योगी सरकार की नीयत और इरादों पर शंका व्यक्त की है। बेचैनी, अराजकता, हिंसा, तनाव एवं अफरा तफरी का ही वातावरण व्याप्त है, जो अति दुखद व स्पष्ट तौर पर यह जनहित के
विरुद्ध भी है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। तो वो अखिलेश यादव जो इस तरह के बयानों से परहेज कर रहे थे, पर मजबूरी में कथित आतंकियों की गिरफ्तारी पर उनको योगी की पुलिस पर शंका जाहिर करने वाला बयान देना पड़ा। इसी तरह यूपी में योगी सरकार के खिलाफ सपा के प्रदर्शन में आजम खान की रिहाई भी एक मुद्दा बनी। हुआ यूं कि बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी खामोशी और बीजेपी के कुल रिश्तों को विपरीत दिशा में लाने के साथ हाशिए से बाहर निकल कर आने वाले विधानसभा चुनाव के मुकाबले में आने की तैयारी शुरू कर दी है। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। साढ़े चार साल तक मामलों में समर्थन करने वाली बीएसपी ने करीब दो सप्ताह पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है वाले बयान पर तंज कसा। योगी सरकार द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ उठाए जा रहे कदम का विरोध भी किया, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण बिल की चर्चा पर भी बीएसपी का रुख नकारात्मक ही रहा। ये वही बीएसपी है जिसने राज्यसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था। मुस्लिम समाज के समर्थन का मोह त्याग कर सीएए और एनआरसी धारा 370, तीन तलाक इत्यादि का स्वागत किया था। शायद इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में लगने लगा कि कांग्रेस का फिलहाल बड़ा जनाधार नहीं है, इसीलिए पश्चिम बंगाल की तर्ज पर सपा को एक तरफा मुस्लिम वोट और तमाम बीजेपी विरोधियों का समर्थन मिल सकता है। बस इसी धारणा को तोड़ने के लिए बसपा ने भी विपक्षी तेवरों में आकर बीजेपी पर हमलावर होने की चाल चलनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मायावती का भले ही उनका सियासी वक्त गर्दिश में हो, पर आज की तारीख में यूपी की सक्रिय सबसे परिपक्व पॉलिटिशियन मायावती ही हैं। सपा का गेम प्लान समझते हुए मायावती ने अखिलेश का खेल बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मोहब्बत और सियासत में कुछ हलचलें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती में संग्राम छिड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सच है कि मोहब्बत और सियासी अनुष्ठान में ना को हाँ भी माना जाता है। यूपी में योगी सरकार का कार्यकाल जब समाप्ति की ओर है, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती विपक्षी तेवरों में नजर आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनका विरोध बीजेपी को टॉनिक देने के लिए है। बीएसपी हाशिए पर थी, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ वोटर एक तरफा सबसे बड़े विपक्षी दल के पाले में आ गया तो पश्चिम बंगाल जैसे नतीजे दोहरा सकते हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि इस शंका से बीएसपी ने अपनी अप्रत्यक्ष दोस्त बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उसका विरोध करना शुरू कर दिया। नजदीक आते यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो बयानबाजी के जरिए अविपक्षी भूमिका में आ गई है। साढ़े चार साल तक बीजेपी सरकार का प्रत्यक्ष समर्थन करने के बाद अब योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी के बयान दरअसल एसपी के खिलाफ लड़ाई का एक मजबूत शस्त्र है। साढ़े चार साल योगी सरकार के दौरान मायावती
या तो खामोश रही या फिर उन्होंने बीजेपी के फैसलों का समर्थन किया। वहीं अब समर्थन करने वाली बीएसपी बीजेपी के हर कदम के खिलाफ आक्रामक हो गई है। धर्मांतरण या आतंकवाद के खिलाफ योगी सरकार के ऑपरेशन को या जनसंख्या नियंत्रण कानून या संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान ही क्यों ना हो, मायावती सबके खिलाफ आक्रामक ही दिखती है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे को भी लेकर ये कहना चाहूंगी कि देश में डरा धमका के व लालच आदि देकर किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है तथा ऐसे मामलों की सही जांच करा के इसके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा यदि इसके पीछे कोई भी देश विरोधी साजिश है तो फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध तो काफ़ी सख्त कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है। और उन्होंने इस धारणा को तोड़ने की भरपूर कोशिश भी शुरू कर दी कि सत्तारूढ़ दल से लड़ने के लिए सपा ही बीजेपी के खिलाफ यूपी में लड़ने के समक्ष है। इस सबसे बड़े विपक्षी दल के बाद कांग्रेस में मजबूत संगठन तक नहीं है और बसपा के बारे में लोगों की धारणा बनती जा रही थी कि बसपा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के साथ है। कहते हैं कि मरा हुआ हाथी भी 100 लाख का होता है। यूपी की सियासत में सबसे सीनियर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को नजरअंदाज करना नादानी होगी। इस वक्त यूपी में दो दलों के बीच जंग चल रही और ऐसे में तलवारों की खनक किसी को सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो यूपी की राजनीति में अपने अनुभव के शस्त्र अभी और भी चलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। यूपी में बीएसपी की जनाधार खटने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा लोकसभा इन दोनों ही चुनावों में एक बार फिर ऐसा नहीं लगा कि बीएसपी सीधा जनता से जुड़ रही हो। सुप्रीमो खुद लोगों के बीच में जाने से बचती हैं। ऐसे में साल 2012 के बाद बसपा कभी जमीन पर दिखी ही नहीं और सिर्फ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही राजनीति साधने का प्रयास किया गया। इसका खामियाजा 2014, 2017, 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा का भुगतान ही था। ऐसे में बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व पर भी कई गंभीर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि बीएसपी के ही कुछ बड़े नेता लगातार कई अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे साफ होता है कि बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को साथ जोड़ने में पूरी तरह से विफल है। बात करें बसपा के कैडर बोर्ड की तो वो भी बीएसपी सुप्रीमो के सक्रिय होने का इंतजार कर रहा है। साल 2012 के बाद से बीएसपी सुप्रीमो जनता के बीच ही नहीं रही, जिस वजह से बीएसपी कैडर सरकता नजर आ रहा है। ऐसे में मायावती के स्वयं निष्क्रिय होने की वजह से कैडर भी सुस्त है और बीते करीब 9 साल से बसपा उत्तर प्रदेश में किसी भी चुनाव में अपना बेहतर परिणाम नहीं दे पाई। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खिलाफ कभी भी बसपा खुलकर सामने ही नहीं आई, जिसकी वजह से विपक्ष भी बसपा पर ही हमलावर दिखा और इसके बाद साथ ही बसपा के कोर वोटर को एक ये भी संदेश गया कि बसपा सरकार के समर्थन में है। ऐसे में बसपा की नीतियों की वजह से बीएसपी का अस्तित्व आज खतरे में दिख रहा है, जिसके चलते अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाथी का दांत बंद कर रह गई है और ऐसे में स्थिति पर विपक्ष भी हमलावर है और एसपी के हिसाब से 2022 में बीएसपी कहीं नहीं है तो अन्य राजनीतिक दल भी बीएसपी के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अपनी तैयारियों में जुटी है और उम्मीद है कि प्रयास अब सियासी जमीन पर ही सटीक पड़ेंगे, जिससे कि बसपा का भविष्य बेहतर हो पाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल बिसात बिछा रहे हैं। सभी पार्टियां जनता के भरोसे खरा उतरने के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण ठीक करने में जुटी हुई है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विजय अभियान और पन्ना प्रमुख सम्मेलनों के जरिए तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। विपक्षी दल सपा बसपा कांग्रेस भी यात्राओं और सम्मेलन के माध्यम से ताकत झोंक रही है। ऐसे में क्या कहते हैं यूपी का वोट बैंक, इस रिपोर्ट में देखिए।
भारतीय जनता पार्टी साल 2014 की जीत के बाद से ही राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। फिर 2017 में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत पाकर सपा सत्ता से बेदखल सपा को कर दिया। इसके बाद 2019 के चुनाव में पार्टी ने अपना परचम लहराया और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीत का सिलसिला जारी रहा। बीजेपी लगातार जीत से उत्साहित है और 2022 में भी पार्टी 300 के पार लक्ष्य की बात कर रही है। सत्ताधारी दल के चुनावी अभियान महीनों से चल रहे हैं। अभी बूथ विजय अभियान शुरू किया है और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से सेवा समर्पण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। उधर बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दल एसपी बीएसपी और कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। एसपी ने बड़े दलों के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है और उसने छोटे दलों के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि दलों ने अभी गठबंधन के रास्ते खोल रखे हैं, ऐसे में सपा रालोद के साथ मिलकर किसान आंदोलन का फायदा उठाने की रणनीति बना रही है। इसके अलावा एसपी भी प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है और बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय करने के लिए भी कदम बढ़ाया है। इसके अलावा दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की सपा से नजदीक की किसी से छिपी नहीं है। हालांकि पार्टी ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी चुनावी तैयारियों के लिए कई छोटे दलों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 2019 में चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन सफलता ज्यादा न मिलने से उसने भी अपना रास्ता अलग बना लिया है। इन सब के बाद वो लगातार तैयारी कर रही है। इसमें बीएसपी ने बुद्ध जन सम्मेलन प्रदेश भर में किया और अब 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम की जयंती पर हर जिले से समर्थक और कार्यकर्ताओं को बुलाकर ताकत का एहसास कराना चाहती है। उधर कांग्रेस छोटे छोटे कार्यक्रम तो कर रही है और वही, लेकिन अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी कमान अपने हाथों में ले रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने वाली है। इसमें ग्रामीण स्तर पर सक्रियता के कार्यक्रम भी होंगे। इधर रालोद में भी यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस तरह लगभग सभी दल चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं, जिससे दिनों दिन सियासी ताप बढ़ता जा रहा है। जानकार बताते हैं कि यूपी के चुनाव में दुनिया की निगाह होती है। ऐसे में सियासी रूप से बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य होने की वजह से यहां पर चुनाव के साल भर पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी दल अपने अपने दमखम दिखाने के लिए मैदान में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। राजनीति में हर शब्द के अपने अपने अर्थ होते हैं। अगर सूबा चुनावी हो तो किसी शब्द पर आर पार की जंग छिड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त यूपी में राजनीति का है, जहां सियासी घमासान में अब्बा जान छाए हुए हैं। कोई अब्बा जान जैसे शब्द के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहा है, तो कोई इसे बीजेपी की धर्म वाली राजनीति का रूप बता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बोली से अब्बा जान वाला तंज निकला तो ये ध्रुवीकरण वाली सियासत की धुरी बन गया। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब्बा जान वाली सियासत यूपी में असर दिखाएगी और अब्बा जान वाले स्थान से किसको कितना नफा नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ आज चार के चक्री में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।